कहता हूँ, सत्ता पॉलिटिकल लीडरशिप से ही आती है। ये समय वो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी आता है कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ, कितने लोग तुम्हारे पीछे है यार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे मैसेज करके कि क्या रमेश थेटे जी राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्यों ना ये सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलते हैं सीधे रमेश थेटे जी के पास, करते हैं उनसे बातचीत। अभी इस वक्त हम अगर देख रहे हैं तो किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो परेशान हैं और वो दिल्ली में अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, MSP का कानून बनना चाहिए जी। आप कानून बना के ये कहो ना, इस देश में MSP के नीचे आप माल बेच ही नहीं सकते जी, मामला ही खत्म हो जाता है ना। और ठीक है, इसके कारण जो है बजट पे प्रेशर आएगा, ये हम सब, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ है ना, बजट पे प्रेशर आएगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर सकते हैं तो फिर हमारे किसानों के लिए करो है ना, MSP का कानून लागू करो। भाई एक बंदा जो अपनी पूरी मेहनत करता है, अपना पैसा लगाता है, बैंक से कर्जा लेता है, जब उसका उसकी फसल ही चली जाती है जी, वो तो वैसे ही डूब जाता है। लेकिन जब उसकी फसल आती है तो उसको उसका दाम मिलना चाहिए जी, और ये सुनिश्चित करता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दे दो, किसान को दे दो, खत्म हो गया। निश्चित रूप से, और अगर ये इतना ही थोड़ा सा अगर कदम उठा ले सरकार तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा किसानों को हो जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे रमेश जी, ये कि बहुजन जो समाज का जो ये आंदोलन है लंबे समय से चला आ रहा है, बाबा साहब की अगर बात करें तो उससे भी पहले हम महात्मा फुले और बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन को जारी शुरुआत की थी, बाबा साहब ने उसे जारी रखा, अभी भी बहुत सारे नेता इसे जारी रखे हुए हैं। राजनीति में आप आएंगे या नहीं आएंगे ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देश में। हर किसी कुछ न कुछ जो है सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे बहुजन राजनीति के बारे में? देखिए, राजनीति तो बहुत, मतलब उसकी हालत तो बहुत खस्ता है जी, है ना। अब क्या है हमारे समाज में, मतलब कार्यकर्ता बहुत कम है, नेता ही नेता हो गए। कोई भी आता है कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ, कितने लोग तुम्हारे पीछे है यार। बोले अभी तो 10-15 है, बढ़ते बढ़ते कभी बढ़ते नहीं, वो घटते जाते हैं और अल्टीमेटली अकेले रहता बेचारा। ऐसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम सामाजिक आंदोलन में बिलीव करते हैं। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सत्ता भी एक सत्ता है, सांस्कृतिक आंदोलन भी अपनी एक सत्ता है, और सांस्कृतिक आंदोलन से अगर आप पावरफुल बनते लोग आपके पीछे, यही तो लीडरशिप है भाई। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बोलता, हाँ मैं मानता हूँ सत्ता पॉलिटिकल लीडरशिप से ही आती है, लेकिन जब ये आंदोलन करेगा तब हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पक्की हो जाएंगी और तब जो है सत्ता आएगी ना वो पक्की हो जाएगी निश्चित रूप से। और अगर इस तरह से सामाजिक आंदोलन के माध्यम से अगर हम उस जगह तक पहुँचते हैं तो निश्चित वो टिकाऊ जो है वो स्थिति होगी। रमेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज का होगा और बहुजन जो लोग हैं उन्हें, उनके जो भी वंचित लोग हैं उन्हें उनका हक मिलेगा। संविधान की जो स्थिति है वर्तमान में वो कुछ सुधरेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में हम अगर देखते हैं तो संविधान कहीं पर भी लागू होता सा नज़र नहीं आता है। एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों, देखिए बाबा साहब हमारे लिए क्या है क्या नहीं है ये कहने का भी विषय नहीं है, अब उनको याद करने का विषय है और याद करके उनके रास्ते पर चलने का विषय है। ये समय वो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर सोते रहोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, आने वाला समय आपको गुलाम बनाने वाला है अगर आप जागे नहीं रहोगे। जागते रहो, सोचते रहो और बाबा साहब को याद करते रहो। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।